अब खबर इंदौर से, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के आगमन को मीडिया इवेंट बना दिया गया। देखिए जरा, फूल माला और गुब्बारे से सजा ऑक्सीजन टैंकर, पुजारी पूजा पाठ और टैंकर के साथ फोटो खिंचवाते नेता। जब एक और शहर के कई कोरोना मरीजों की सांस ऑक्सीजन के नाम पर अटकी पड़ी थी, तो वहीं इंदौर के जल संसाधन मंत्री और जिला कलेक्टर टैंकर का इस्तेमाल करीब एक घंटे तक अपनी राजनीति चमकाने में करते रहे। इस ऑक्सीजन सिलेंडर को अहमदाबाद के जामनगर से एमपी के इंदौर लाया गया, जहां राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट और जिला कलेक्टर मनीष सिंह इंदौर के बॉर्डर पर टैंकर का स्वागत करने पहुंच गए। ऑक्सीजन टैंकर का इतना भव्य स्वागत हुआ कि टैंकर आने को मीडिया इवेंट बना दिया गया। इस लेट लतीफी की राजनीति पर सवाल करने पर मंत्री जी भड़क गए और विपक्ष पर ही उल्टा निशाना साधने लगे। बेबुनियाद भ्रम, एक या दो मिनट में पता कर लो आप। 10 बजे टैंकर आया, 12 बजे। कोरोना के बढ़ते कहर में ऑक्सीजन का आपातकाल है। एक एक मिनट की देरी की वजह से सैकड़ों लोगों की जान आफत में है। ऐसे में शर्म आती है जब नेताओं की ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।